और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक बदमाश का वीडियो जिसके सिर पर पहले खून सवार था, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आते ही बदमाश का भूत भी उतर गया और माफी मांगने के लिए घुटने के बल आ गया। वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकेंगे कि कानून व्यवस्था चुस्त हो तो बदमाशी का बादशाह भी कान पकड़कर माफी मांगने लगता है। घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, देखिए। चाकू की नोक पर दबंगई, दिन दहाड़े चाकू लहराया, दहशत में लोग। चाकू लहराते इस बदमाश के सिर पर खून सवार है। इस वक्त इसका इरादा बेहद खतरनाक दिख रहा है। दिन दहाड़े चाकू लहराते बादशाह ठाकुर नाम के इस बदमाश की करतूत से हर कोई दहशत में है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि इससे ये चाकू छुड़ा ले, क्योंकि हट्टा कट्टा बदमाश ये भी बता रहा है कि इसने 6-6 मर्डर किए हैं। ये सारा वाकया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज इलाके की करतार बिल्डिंग का है। वायरल हुए इस वीडियो में ये बदमाश भीड़ को चाकू लहरा लहरा कर धमका रहा है, लेकिन कुछ ही देर में इसकी बदमाशी का भूत उतर जाता है, क्योंकि खुलेआम चाकू लहराने वाले इस बदमाश को पुलिस ने सूचना मिलने के बाद प्लान बनाकर धर दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में आते ही इसे भी अंदाजा हो गया कि इसकी बदमाशी का भूत घुटने के बल आ जाएगा। हुआ भी यूं ही। बादशाह ठाकुर नाम के इस बदमाश का ये दूसरा वीडियो है। घबराइए मत, क्योंकि इसे खुद पता चल चुका है कि अब इसकी खैर नहीं, पुलिस इसकी जमकर खातिरदारी करने वाली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है ताकि इसकी बदमाशी का रिकॉर्ड खंगाला जा सके। उसको लोकेशन पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों को वहां पे 151 में अरेस्ट कर लिया और उनके खिलाफ 323, 294, 506, 109 उन दोनों के अलावा उनके जो उस एरिया जो उस बिल्डिंग के ओनर हैं नवीन, जिनके प्रोत्साहन पे इन्होंने ये किया ऐसा प्रतीत हो रहा है, उनके अगेंस्ट भी 109 की कार्रवाई और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे कायम किए हैं और दो आरोपियों को अभी अरेस्ट करके जेल ले जाया है। इस आरोपी के साथ साथ अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन पुलिस की चुस्ती से तब और अब का फर्क भी देख लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।